Today we are going to study the 7th standard maths 3rd 4th chapter angles and pairs of angles. आज जो है हम लोग 7th standard का चौथा chapter पढ़ने वाले हैं angles and pairs of angles. Angles हम लोगों ने 6th standard में पढ़ लिए थे. 6th में देखे थे हम लोगों ने कि angles के type कौन से हैं, angles कैसे होते हैं. हमने राइट एंगल भी पढ़े थे, ऑब्ट्यूस एंगल पढ़े थे, एक्यूट एंगल पढ़े थे. तो इसके अलावा जो है हम इस चैप्टर में कुछ नए एंगल्स के टाइप्स पढ़ेंगे और इसके अलावा जो है हम एंगल्स की जोड़ी यानी पेयर्स ऑफ एंगल्स यानी एंगल जो है अपने साथ में दूसरे एंगल्स के साथ किस तरह से पेयर बनाते हैं, किस तरह से जोड़ी करते हैं, किस तरह से मैचअप होते हैं वो हम लोग इसमें सीखेंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट वन आपको दिया हुआ है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल. फर्स्ट वन है हमारा टॉपिक दैट वी हैव टू सी इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल. इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स. अभी देखिए एंगल का इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर का हिस्सा, एक्सटीरियर मतलब बाहर का हिस्सा. अभी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक ये एंगल ड्रॉ किए, दिस आई हैव नेम्ड एज एंगल ए बी एंड एंगल सी. ये हमारा एंगल है एंगल ए बी सी. एंगल के अंदर जितना भी हिस्सा है यानी ये जितना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये लाइन से शुरू करते हुए ये लाइन तक के यहाँ पर जितना पार्ट कवर हो रहा है ये पूरा पार्ट एंगल का इंटीरियर है. इंटीरियर मतलब उसके अंदर का हिस्सा है. और यहाँ पर ये यहाँ वाला जो पार्ट है या यहाँ वाला जो पार्ट है ये एंगल के बाहर है यानी एंगल के सामने की तरफ से बहुत सारा बड़ा हिस्सा जो एंगल से काफ़ी दूरी पर है वो भी, और जो एंगल के बिल्कुल पीछे है या ये आम के नीचे है. तो इस तरह से जो है एंगल का ये कौन सा पार्ट हो जाता है, एंगल का एक्सटीरियर पार्ट हो जाता है. एंगल के अंदरूनी हिस्से को यानी ये दोनों रेज के वजह से जितना हिस्सा एंगल के बीच में कवर अप होता है हम उसे कहते हैं इंटीरियर ऑफ एंगल. ये इंटीरियर ऑफ एंगल है. ये वाला पार्ट जो एंगल से कवर अप नहीं हो रहा है या एंगल इसको कवर नहीं कर पा रहा है ये पूरे पार्ट को हम कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ एंगल. इसी तरह से ये एंगल का ये ए बी रे है, बी ए रे है, तो हम इसको जो है क्या करेंगे यहाँ पर ये इसके पीछे का हिस्सा है तो ये इस वजह से जो है हम क्या करेंगे इसको ये एक्सटीरियर पार्ट है. इसी तरह से यहाँ बी सी रे का भी जो पार्ट है ये बाहर का है तो ये नीचे वाला हिस्सा भी एंगल का एक्सटीरियर पार्ट होगा. नाउ हियर आई एम हैविंग अनदर एंगल, एंगल क्यू पी आर विथ मी. नाउ यहाँ पर हमारे पास जो है एंगल क्यू पी आर एक एंगल है. दिस एंगल इज हैविंग अ पॉइंट इन साइड ओवर हियर एम ए एस एंड टी. हियर अनदर पॉइंट्स आर देयर एन बी जी एफ एच एंड क्यू नहीं एक्स. अब यहाँ पर आपके पास जो है कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. दीज पॉइंट्स आर व्हाट आर दीज पॉइंट्स वी विल अंडरस्टैंड. अब यहाँ पर आपके पास एंगल क्यू पी आर में एम, पॉइंट ए, पॉइंट एस एंड पॉइंट टी दीज आर कमिंग अंडर साइड मतलब उसके अंदर जो है आते हैं. इसीलिए ये चारों पॉइंट पॉइंट ए, पॉइंट एम, पॉइंट एस और पॉइंट टी को हम क्या कहेंगे इंटीरियर ऑफ द एंगल, इंटीरियर ऑफ एन एंगल. तो दीज आर द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द एंगल क्यू पी आर. वाइल द पॉइंट एन, पॉइंट बी एंड पॉइंट डी जी आर द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एन एंगल क्यू पी आर. सिमिलर वे पॉइंट एफ, पॉइंट एच एंड पॉइंट एक्स आर ऑल्सो द एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ द एंगल क्यू पी आर. मतलब यहाँ पर क्या है कि ये वाला जितना भी हिस्सा है ये तीनों पॉइंट्स है वो भी एक्सटीरियर है, ये तीनों पॉइंट्स भी एक्सटीरियर है और ये 1, 2, 3, 4 ये चारों पॉइंट्स कौन से है इंटीरियर एंगल्स के पार्ट में आते हैं.
नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकेंड वन इज एज एडजेसेंट एंगल. अब जो है हम दूसरा क्या पढ़ेंगे, एडजेसेंट एंगल पढ़ेंगे. एडजेसेंट मतलब नेबरिंग, एडजेसेंट का मतलब होता है नेबरिंग. नेबरिंग मतलब एकदम पड़ोसी वाला, एकदम बिल्कुल बाजू वाला. तो यहाँ पर अब अगर हमने ये एक एंगल बनाया है ना, तो इसके पड़ोसी में हमने यहाँ पर ये दूसरा एंगल भी बना दिए हैं. यानी ये आर्म कौन सा, ये वाला आर्म जो है ना एंगल का, यानी ये वाला रे जो है ये एंगल में यहाँ पर भी है, ये एंगल में यहाँ पर भी है. तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के आजू बाजू यानी पड़ोसी एंगल हो गए, यानी एडजेसेंट एंगल हो गए. तो इस तरह से जब कोई भी एंगल रहेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने नाम डाले पी ए क्यू, Here I had written B. तो यहाँ पर ये एक छोटा एंगल है एक्यूट एंगल, और ये दूसरा एंगल यहाँ पर बनता है ऑब्ट्यूस एंगल. सो फॉर द एंगल पी ए क्यू एंड पी ए बी द रे ए पी इज कॉमन, दैट्स वाई दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर. सो द एंगल पी ए Q is adjacent to the angle B A P or P A B. Are you clear? Yes, miss. देखिए फिर से हम बता रहे हैं, अगर यहाँ पे ये एक एंगल ऐसा है और दूसरा एंगल जो है यहाँ से ये वाला ऐसे जाता है. फॉर एग्जाम्पल ये दोनों अलग अलग एंगल्स है, यहाँ पर ये नाम दिए हमने A S T U और यहाँ पर है L M, ये है N. These two are the different angle but having nothing common ray in between. So these two are the no adjacent angle. मतलब ये दोनों adjacent नहीं है, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी या बाजू वाले angle नहीं है. पड़ोसी और बाजू के, आपका जो पड़ोसी रहता है उसके और आपके घर का एक दीवार या दरवाजा जो एकदम बाजू बाजू में होता है, common रहता है ना. तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो है आपका पड़ोसी, अगर ये एंगल हम बता रहे हैं बाजू वाला एंगल बता रहे हैं, तो उसमें एक जो है रे को कॉमन होना जरूरी है, तभी वो दोनों एक दूसरे की क्या बनेंगे, एडजेसेंट एंगल बनेंगे या नेबरिंग एंगल बनेंगे. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिस सेट 15 ओवर हियर. अब ये प्रैक्टिस सेट 15 में हम जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे कि किस तरह से हम लोगों को एंगल का इंटीरियर और एंगल का एक्सटीरियर फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट 15 का. फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए. ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर द एंगल ए डब्ल्यू बी. व्हाट इज द क्वेश्चन इज गिवन. नाउ अभी आपको यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है एंगल ए डब्ल्यू बी. आपको जो है फिगर को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो आपको बताना है कि क्या किस तरह से है. देखिए अब यहाँ पर जो है पूछा है पहला क्वेश्चन आपको, पॉइंट्स इन द इंटीरियर. इंटीरियर मतलब एंगल के अंदरूनी तरफ कौन से पॉइंट्स है, दूसरा है एक्सटीरियर पे कौन से पॉइंट्स है, और तीसरा है आर्म्स पे. आर्म्स पे पॉइंट्स मतलब बिल्कुल जो रे होती है उस पर पॉइंट्स है. तो चलिए हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ द एंगल ए डब्ल्यू बी. एंगल ए डब्ल्यू बी हो गया ये ड्रॉ. अब यहाँ पे वी आर हैविंग अ पॉइंट आर, पॉइंट सी, पॉइंट एक्स, पॉइंट एन, देन यहाँ पर पॉइंट टी, पॉइंट यू, देन पॉइंट जी, पॉइंट क्यू, पॉइंट V and point Y. ये इस तरह से आपको फिगर दिया हुआ है. आपको क्या बताना है इंटीरियर एंगल कौन है, एक्सटीरियर कौन है. तो पॉइंट्स
इन द इंटीरियर, कौन से पॉइंट्स इंटीरियर है वो हम पहले लिखेंगे। तो व्हाट आर द पॉइंट्स इंटीरियर, जो अंदर की तरफ है, यानी ये चार पॉइंट्स, पॉइंट सी, पॉइंट आर, पॉइंट एक्स एंड पॉइंट एन। सो दीज आर द पॉइंट, आपको पॉइंट लिखना है बाकायदा से, पॉइंट सी कॉमा पॉइंट आर कॉमा पॉइंट एक्स कॉमा पॉइंट एन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। फिर अभी दूसरा है सीने का, आपको पूछा है पॉइंट इन द एक्सटीरियर, मतलब बाहर की तरफ कौन से पॉइंट्स है। तो बाहर की तरफ जो है वो हम पहले लिखेंगे, पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर इज इक्वल्स टू, कौन कौन से पॉइंट्स है, पॉइंट टी, पॉइंट यू, पॉइंट डब्ल्यू, सॉरी पॉइंट क्यू, पॉइंट वी एंड पॉइंट वाई। तो यहां पर लिखेंगे हम पॉइंट टी कॉमा पॉइंट यू कॉमा पॉइंट क्यू कॉमा पॉइंट वी एंड पॉइंट वाई, लाइक दिस वे। अब जो है आपको क्या पूछा है, थर्ड वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट है जो आर्म्स पे है। आर्म्स पे मतलब यहाँ पर, ये देखिए ये उसका आर्म है, यहाँ पर कौन सा पॉइंट हमको दिखा रहा है, पॉइंट जी। ये भी उसका आर्म है एंगल का, यहाँ पर कोई पॉइंट दिख रहा है नहीं, हमारे पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। सो ओनली द पॉइंट जी इज द पॉइंट विच इज प्रेजेंट ऑन द आर्म ऑफ द एंगल। सो यर वी विल राइट डाउन पॉइंट ऑन दी आर्म इज इक्वल्स टू पॉइंट जी। दिस इज द आंसर विच वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेकेंड क्वेश्चन, नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर बिलो। नाउ व्हाट इट इज गिवन, यू आर सपोज टू राइट डाउन। नंबर वन, आपको क्या दिया हुआ है, कुछ फिगर्स दी हुई है, उनमें से आपके एडजेसेंट एंगल यानी आजू बाजू वाले पड़ोसी एंगल्स के क्या लिखने हैं, आपको नाम लिखने हैं। तो इसके लिए जो है पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ द फिगर विच इज गिवन द फर्स्ट वन। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर बना लेंगे। ये आपको फिगर दी हुई है, देन यू आर सपोज टू राइट डाउन द एडजेसेंट एंगल्स, पेयर्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स। क्या करेंगे हम, पहले ये नंबर वन दे देते, इसको नंबर टू देंगे और इसको नंबर थ्री देंगे। अब आप बताइए, नंबर वन एंगल इज एडजेसेंट टू द नंबर टू, नंबर टू इज एडजेसेंट टू द थ्री, थ्री इज एडजेसेंट टू द वन, लाइक दिस वे हम लोग लिखेंगे नाम। तो पहला एंगल नंबर वन कौन है हमारे पास, एंगल ए एन बी इज एडजेसेंट टू द एंगल बी एन सी, है ना। देन सेकेंड वन, एंगल बी एन सी इज एडजेसेंट टू द एंगल सी एन ए, क्लियर। एंड द थर्ड वन, एंगल सी एन ए इज एडजेसेंट टू द एंगल ए एन बी, ठीक है। तीन पेयर्स हमने पढ़ी हैं, यानी तीन बार जो है हमको उसको लेना है ठीक से। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए ये आपका फर्स्ट वन है ना, सो दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग हियर एज ए, ओके। तो फर्स्ट वाला कौन है आपका, एंगल ए एन बी इज एडजेसेंट टू द एंगल बी
एन सी हो गया। फिर उसके बाद यहां पर बी पे कौन सा एंगल है आपका, एंगल बी एन सी एंड एंगल सी एन सी एन ए। देन सी पे कौन है आपका, एंगल ए एन सी इज एडजेसेंट टू द एंगल बी एन ए। क्लियर। तीन पेयर्स हमने लेनी थी, तीनों पेयर्स ले ली। अब इसी तरह से हम जो है सेकेंड वाला जो है क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ये सेकेंड का फर्स्ट वन था, अब उसका ही सेकेंड का सेकेंड वन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देन दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द फिगर। यहां पर ये देखिए, ये ऐसा एंगल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, एडजेसेंट एंगल्स ढूंढना है। तो अब एडजेसेंट एंगल के लिए फिर से हम लोग यहाँ पर नंबर 1, 2 एंड 3 दे दिए। ठीक है। अब एंगल जो एडजेसेंट है, कौन कौन सा एंगल एडजेसेंट है ध्यान से देखिए। दिस 1 एंड 2 इज द एडजेसेंट टू ईच अदर, है ना। यहां से है क्यों, ये देखिए, ये एंगल यहाँ पर जो एंगल आर टी और एस है वो एंगल ये इसका एडजेसेंट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आधी आर्म है। आधी आर्म मतलब उसका आधा जो है यहाँ पर रे का आधा यानी आर्म का आधा हिस्सा हो चुका है, तो ये इसके बाजू में पूरा कैसे होगा। ये तो बड़ा एंगल है ना आपका, तो देन दैट इज वाई नॉट दिस आर टी एस या एस टी आर इज नॉट द एडजेसेंट एंगल टू दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो। ओनली वन पेयर ऑफ एंगल इज एडजेसेंट ओवर हियर, द एंगल टी क्यू पी या पी क्यू टी इज एडजेसेंट टू द एंगल पी क्यू आर। समझ आया, यानी एंगल नंबर 1 लेना है आपने और एंगल नंबर 2 लेना है। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देयरफॉर एंगल टी क्यू पी एंड एंगल पी क्यू आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है। यस मिस। थर्ड क्वेश्चन, आई एम रीडिंग, काइंडली लिसन इट केयरफुली। आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स, इफ नॉट स्टेट द रीजन। अभी देखिए, आपको क्या बोला है, यहाँ पर फिगर दी हुई है, आपको देखना है और बताना है कि ये एडजेसेंट एंगल्स है भी या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर आपको उसका रीजन भी देना है। तो यहाँ पर जो है फिगर सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ये इस तरह से आपको एक फिगर दी गई है, आपको जो है कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, एंड देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट दैट दीज आर द पर्टिकुलरली द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल और नॉट, और अगर नहीं है तो आपको उसका रीजन भी लिखना है। तो यहाँ पर ये फिगर होने के बाद हम देखेंगे, यहाँ देखिए फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला यहाँ पर एंगल पी
एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू, फर्स्ट वाले में एंगल पी एम क्यू, पी एम क्यू ये वाला एंगल, दिस एंगल पी क्यू एम पी या पी एम क्यू ये वाली जो रे है ना आपका, ये इतना बड़ा एंगल है, देखिए यहां से ये वाला एंगल, यहां से ये इधर का एंगल, और दूसरा है आर एम क्यू। इसमें हमने आपको बताया था कि दो एंगल अगर जब कभी भी एडजस्टेंट होने चाहिए तो उनके बीच में एक जो है, जैसा आपको बताया था हमने कि दरवाजा या उनका एक जो है रे कॉमन होना चाहिए या आर्म कॉमन होना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे एम क्यू जो है वो कॉमन है, दैट्स वाई वी विल से दैट दीज टू एंगल्स आर द एडजस्टेंट एंगल, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे येस कॉमा दे आर adjacent angles, हो गया। भी दूसरा क्या बोला है आपको वो ध्यान से देखेंगे हम, अगर है तो हमको है लिखना है, नहीं है तो हमको उसका रीजन देना है कि क्यों नहीं है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर, एंगल आर एम क्यू एंड एस एम आर, एंगल आर आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर। ये देखिए यहां पर ये दोनों एडजस्टेंट एंगल नहीं है, अभी देखिए ये कैसा होगा, यहां पर आर एम और ये क्यू, ये बड़ा एंगल है यहां से इतना, और उसमें जो है क्या बोला है एस एम और आर, है ना। तो ये इसमें जो है आप यहां से ये देखिए, ये जो है ये बड़े एंगल का एक छोटा हिस्सा एस एम बन जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे के बाजू में नहीं है, बिल्कुल ऐसे बाजू में नहीं है, जैसे एक यहाँ पर होना चाहिए तो एक बिल्कुल उसके बाजू में होना चाहिए, तो इस तरह से नहीं है, बल्कि ये इसके इंटीरियर पार्ट में आता है, अंदरूनी हिस्से में आता है, तो इसीलिए ये जो दोनों है ये क्या है एडजस्टेंट एंगल नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो नो कॉमा दे have separate interiors, हो गया। अब उसके बाद जो है थर्ड और फोर्थ जो है वो आप खुद करेंगे, थर्ड वाला हम आपको समझा देते हैं और फोर्थ वाला भी आपको बता देते हैं, वो रीजन आपने लिखना है, सो देन इट विल बी इजी इफ आई एक्सप्लेन यू, आपको उसकी प्रैक्टिस, ये दोनों हमने बताए हैं, इसके बाद थर्ड भी है और फोर्थ भी है, वो आप खुद लिखेंगे, इसी क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, आर एम एस, आर एम एस है ना, ये देखिए आर एम एस ये एंगल, और दूसरा कौन सा है आर एम टी, फिर से दोनों एंगल का इंटीरियर डिफरेंट हो गया है, तो इसीलिए देखिए आर एम एस छोटा है और ये आर एम एस जो आर एम टी जो है वो बड़ा एंगल है, तो ये इतना बड़ा है और ये इतना छोटा सा एंगल है, दोनों का इंटीरियर डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, इसीलिए जो है ये दोनों एंगल क्या हो गए हैं, फिर से जो है ये दोनों एडजस्टेंट एंगल नहीं है। नेक्स्ट वाला है एंगल एस एम टी एंड एंगल आर एम एस, एंगल एस एम टी एंड एंगल आर एम एस, कौन कौन है यहाँ पर एस एम टी, देखिए ये इतना एस एम टी है ना, इनका इंटीरियर मतलब ये इतना बड़ा हो रहा है, और दूसरा एंगल कौन सा लिया है आर एम एस, आर एम एस, तो यहाँ पे एस एम जो है हमको कॉमन मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, यानी ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के बाजू में है, अगर हम इसको छुपा दूं यहां से, ये इसको हटा देंगे क्यू वाले को, तो ये इतना बड़ा हिस्सा जो है एंगल का हमको मिल रहा है, और यहाँ पर एकदम बाजू में ही उसके बाद दूसरा एंगल है, सो दैट्स व्हाई दीज टू एंगल्स आर द एडजेसेंट वन। हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस मिस। आर यू क्लियर विद दैट? यस मिस। आपने क्या करना है, ये फर्स्ट वन और सेकेंड वन करने के बाद जो थर्ड और फोर्थ है इसी क्वेश्चन का, वो आपने खुद करना है, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए है। अब ये पूरी एक्सरसाइज जो है आप अपनी असाइनमेंट बुक में सॉल्व करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट यू आर सपोज टू राइट इट डाउन इन द असाइनमेंट बुक एंड प्रैक्टिस इट हार्ड।
बिफोर एंडिंग अप आई वॉन्ट टू आस्क यू टू लाइक माई लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. जज़ाकअल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम.